हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लिटरेचर के प्रश्न पत्र दो के खंड खा के, जो गद्य खंड है, मतलब गद्य साहित्य है, उसमें जितने भी जो बुक्स वगैरह फॉलो की जाती हैं उन सब के बारे में। इसमें कुछ बुक्स, जैसे कि हम 14 सेट इसमें हमारे पास ये मिलती हैं, 14 बुक्स मिलती हैं, जिसमें से जो हमारी गद्य खंड की रहती हैं कुछ बुक्स, और कुछ इसमें दो तीन जो भी हैं वो पद्य खंड से भी इसमें ऐड कर दी जाती हैं। तो उन्हीं सबका हम आज रिव्यू करेंगे। आपको इसमें दिख रहे होंगे सारे के सारे अलग अलग, जैसे निबंध निलय, चिंतामणि वगैरह, मैलांचल, अषाढ़ का एक दिन, एक दुनिया समानांतर, कुरुक्षेत्र, इन सब के एक एक करके हम डिटेल्स देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स है और कितने निबंध हैं इसमें, कितने उपन्यास हैं, कितनी कहानियाँ हैं और कितने नाटक हैं, या कितनी जो भी हैं वो कविताएँ वगैरह हैं जो हमें पढ़नी होंगी। तो ठीक है, बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम, आपको दिख रहा होगा, इनको मैं रख देता हूँ एक साइड में इस तरह से। ठीक है, ये एक एक करके अभी हम देखेंगे, इनको अलग हटा देते हैं। अभी सबसे पहले आते हैं हम, ये जितनी भी हमारी मतलब वो कविताएं वगैरह हैं जो हम इसमें प्रश्न पत्र दो के दो में हमें पढ़नी होती हैं। तो वैसे तो और भी हैं इसमें कविताएं, लेकिन हमें जो बुक्स वगैरह, जैसे कि हम अगर दृष्टि के नोट्स लेते हैं, तो दृष्टि नोट्स के अलावा हमको ये कुछ कविताएं हैं जो उस दृष्टि नोट्स वगैरह में शायद प्रोवाइड नहीं की गई हैं, उनके अलावा हमको ये मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, इसको पढ़ना होता है। और दूसरी है भारतवादी, मैथिली षड गुप्त की जो कुछ कविताएं वगैरह हैं वो हमें पढ़नी होती हैं। वैसे ये प्रश्न पत्र दो के खंड का की हैं, ये तीनों बुक्स जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये कमायनी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ये कविताएँ वगैरह हैं, ये खंड का की पद्य साहित्य से रिलेटेड हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इधर। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं अपनी वही फेमस चीज़, कहानियों वगैरह पर। ठीक है, तो ये रही कहानियों की दो बुक्स हैं इसमें। ठीक, कहानियों की दो बुक्स हैं, एक तो आपको दिख रही होगी एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर में कई सारी कहानियां हैं अलग अलग राइटर की, लेकिन इसके जो संपादक वगैरह हैं वो आपको दिख रहा होगा राजेंद्र यादव हैं, और इसमें कई सारे राइटरों की कहानियों को कंपाइल करके दिया गया है जो कि हमें सारी की सारी पढ़नी होगी। ठीक, तो एक हो गई कहानी की बुक्स, और दूसरी है ये प्रेम मंजूषा। ठीक है, इसमें सारी की सारी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की हैं, लगभग 16 कहानियाँ हैं इसमें। ठीक है, इसके संपादक हैं अमृत राय। ये इसके कवर्स पे मन जाना, ठीक है, कवर्स वगैरह अगर आप परचेज करोगे तो डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी कंटेंट वगैरह सबका सेम ही रहता है, क्योंकि ये बार बार अपडेट होती रहती है, तो उनका बस कवर चेंज होता है, आगे कुछ अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये बदलेंगे क्या अंदर। ठीक है, तो ये दो हो गई इसकी स्टोरी। ठीक, फिर हैं दो निबंध हैं हमारे इस सिलेबस में गद्य साहित्य में। ठीक, एक तो निबंध है, निबंध निलय नाम से ही है, इसके जो संपादक हैं वो सत्येंद्र सत्येंद्र हैं, डॉक्टर सत्येंद्र जी। ठीक, तो इसको भी पढ़ना होता है, वैसे छोड़ना नहीं है इसे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, पहले लोग छोड़ देते थे इसे। फिर है चिंतामणि, ठीक है, प्रेम मंजूषा सहित है इसे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कृति है। ठीक है, ये निबंध हो गए दो। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम उपन्यासों पर। ठीक, ये हो गए हमारे उपन्यासों पर आते हैं। उपन्यास इसमें लगभग 4 हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि मैलांचल, फणीश्वरनाथ रेणुका, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, इसमें थोड़ा ग्रामीण परिवेश का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो ये पहला हो गया मैलांचल, फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरा है दिव्या यशपाल की। ठीक है, आगे हो गया हमारा महाबोझ है मनु भंडारी का, इसमें थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में है, किस तरह से मतलब विश्व की हत्या कर दी जाती है, और कैसे एक राजनेता वगैरह किस तरह से सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है और अपने ऊपर आँच भी ना आने देता, ये सब आपको इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे, बहुत ही बढ़िया नाटक है। ठीक, ठीक है, पहले भी बता दिया मैंने इसे कवर्स वगैरह में मन जाना, क्योंकि कवर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, कॉन्टेंट वगैरह सेम रहता है। ठीक, अब ये है सबसे फेमस और सबसे फेवरेट गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, ये भी उपन्यास काफ़ी अच्छा है, इसको आप ग्रामीण परिवेश का, इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, ग्रामीण परिवेश के साथ साथ इसमें शहरी परिवेश को भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो उसके बाद है, ये तो हो गया हमारे 4 उपन्यास, एक तो हो गया गोदान मुंशी प्रेमचंद का, दूसरा हो गया महाबोझ मनु भंडारी का, तीसरा हो गया दिव्या यशपाल का, और चौथा हो गया मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक, तो ये 4 हो गए उपन्यास। अब आगे नंबर है हमारा नाटकों का, जो कि हमारे सिलेबस में 3 नाटक दे रखे हैं, और तीनों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे नाटक हैं। ठीक है, तो पहला नाटक है अषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, कहा जाता है कि ये रंगमंच की दृष्टि से काफ़ी बढ़िया नाटक है, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि मोहन राकेश जो है वो नाटक में नाटकीयता की दृष्टि से एक सफल नाटककार है। आगे जो नाटक है वो है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरीशचंद जी का, ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा स्कंदगुप्त,
जयशंकर प्रसाद का। ये आपको पता होगा, हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी आपने गुप्तों के बारे में। गुप्तों ने जो गुप्तों के आगे वंशज हुए हैं स्कंदगुप्त, उन्हीं के बारे में ये वर्णन दिया गया है। स्कंदगुप्त आपने देखा होगा कि गुप्तों में लास्ट टाइम में आके हूणों का आक्रमण हुआ था, उसी सब के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है विस्तृत से, और किस तरह से हूणों का आक्रमण का इन्होंने सामना किया था स्कंदगुप्त ने, वो सब इसके बारे में, और उनकी कुछ पर्सनल लाइफ जैसे कुमार गुप्त वगैरह इन सब में जो आपसी रंजिश वगैरह जो भी था वो सब इसमें दिया गया है। वो आप जब पढ़ेंगे तो सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा। और मुझे लगता है इस नाटक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ शब्द जो दिए होते हैं ना, जैसे कि इसमें भट्टारक वगैरह, और वो कुछ ऐसे शब्द थे जो कि हमें हिस्ट्री वगैरह में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इस नाटक को पढ़ने के बाद हमें गुप्तों की जो शासन व्यवस्था है उसको अच्छे से समझने में मदद मिल सकती है। तो ये थे हमारा तीनों नाटक। एक तो हो गया हमारा स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का, दूसरा है भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक, और तीसरा है साढ़ का। तो ये तीन नाटक हो गए, एक बार मैं सबको दिखा देता हूँ। चार उपन्यास हो गए हमारे, मैलांचल, ठीक है, फणीसोना रेणु का, दिव्या यशपाल का, महाबोझ मनु भंडारी, और गोदान मुंशी प्रेमचंद का। तो चार हो गए उपन्यास, ठीक है। दो हो गई हमारी कहानियों की बुक्स, एक मुंशी प्रेमचंद की जिसमें 16 कहानियाँ दे रखी हैं मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है, और दूसरी है एक दुनिया समानता। आगे जो है वो निबंध है, चिंतामणि है, प्रेम मंजूषा सहित, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और निबंध निलय इसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं, ठीक है। और ये हमने स्टार्टिंग में देखी थी, मतलब तीन हमारी मतलब कह सकते हैं कविताएं हैं जो कि प्रश्न दो के खंड कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है, कुरुक्षेत्र, भारत भारती और कमायनी, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इन सब के बारे में या फिर दृष्टि के नोट्स के बारे में रिव्यू वगैरह जानना है तो वो रिव्यू मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है जिससे मेरा मोटिवेशन भी बने आगे जो भी वीडियो मिला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।